हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आपका इस सेशन में सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी को पता है कि देखो कि जो हमारी सिलेक्शन सीरीज है वो आज जो क्लास होगी वो तेरहवीं क्लास होगी दोस्तों और इस क्लास में दोस्तों ने काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तों तो ये हमारे क्वेश्चन थे ठीक है अब दोस्तों बात करेंगे देखो कि स्पेशल आ रहीसी टेक्निकल कोर्स दोस्तों बिल्कुल जो भी हमारे नीमी पैटर्न पे आधारित एक कोर्स होता है कि टी आई वाले बच्चे काफी परेशान होते हैं जैसे यूपी बिहार की बात करें आई करने चले जाते हैं लेकिन दोस्तों होता क्या है कि उनके आई के इंस्ट्रक्टर ही नहीं होते हैं तो दोस्तों उस स्थिति को देखते हुए हमने एक कोर्स रेडी किया है कंप्लीट दोस्तों नीमी पैटर्न का होगा ठीक है इस नीमी पैटर्न में जो भी आपके आई आई से रिलेटेड भारत स्किल्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका कंप्लीट काफी अशुद्धिया होती है तो दोस्तों उन सबको हमने क्या किया बिल्कुल क्लियर करके और एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट टॉपिक वाइज जो भी हमारे आईटीआई से जो सिलेबस होता है देखो कॉम्पिटेटिव का सिलेबस और आईटीआई का सिलेबस में काफी अंतर होता है तो ये ओनली आई आई वाले बच्चों के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो ये आपको पता रहना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों जो भी ऑनलाइन आप देख रहे हैं लाइव एक बार प्लीज शेयर जरूर करें महेश यादव गुड आफ्टरनून राकेश सौरभ मनीषा परविंद्र भाई जय हिंद मूमल हेलो परविंद्र जयपुर बहुत बढ़िया भाई तो दोस्तों सभी लोग लाइव आ जाओ फिर क्लास स्टार्ट करते हैं विनोद बिल्कुल गुड आफ्टरनून और दोस्तों जो भी आप लाइव सेक्शन देख रहे हैं प्लीज इस लाइव सेशन को दोस्तों लाइक जरूर करें क्योंकि काफी बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक अभी तक भी नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज एक बार आप लाइक करें फिर क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों राकेश सैनी गुड आफ्टरनून तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन द द थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट फॉर विंडो विंडो टाइप एयर कंडीशनर इज सेट दोस्तों जो जो आपके एसी के जो होते हैं तो आप लोगों ने काफी पुरानी विंडो एसी या देखी भी होंगी कुछ थर्मोस्टेट भी होते थे जो बिल्कुल अपने इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होते थे साथ में सेलेक्टर स्विच भी होता है ठीक है तो ये वायरिंग भी आपको आनी चाहिए तो ये कंप्लीट आपका पता होना चाहिए दोस्तों तो सभी लोग दोस्तों आंसर दीजिए द थर्मोस्टेट फॉर द विंडो टाइप एयर कंडीशनर दोस्तों कि विंडो एसी का जो थर्मोस्टेट होता है वो हमारे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट होता है ऑप्शन ए है दोस्तों पिछहत्तर डिग्री फेरेनाइट ऑप्शन बी है अस्सी डिग्री फेरेनाइट ऑप्शन सी है एट्टी फाइव डिग्री फेरेनाइट ऑप्शन डी है पैंसठ डिग्री फेरेनाइट दोस्तों आंसर दीजिए राकेश सुरेश प्रमोद बिल्कुल राकेश ए दोस्तों देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना एक्चुअली क्या होता है ये सेंटीग्रेड में पूछे जाते हैं जब तो क्या होते हैं सब अनुमान लगा लेते हैं लेकिन जब बात आती फेरेनाइट की तो आप सभी के सामने काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फेरेनाइट में कितना होगा क्या पिछत्तर फेरेनाइट क्या पिचासी फेरेनाइट क्या पैंसठ फेरेनाइट तो आंसर दीजिए दोस्तों विनोद ए परविंदर ए बिल्कुल बहुत बढ़िया तो दोस्तों जो हमारा थर्मोस्टेट होता है विंडो एसी का वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉरी फेरेनाइट पे सेट होता है पिछोत्तर डिग्री फेरेनाइट पे सेट होता है तो ये चीज आपको पता भी क्योंकि आईटीआई के बुक्स में भी ये काफी लिखा हुआ होता है कुछ जगह सेंटीग्रेड में भी होता है तो ये पता रहना चाहिए आपको नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ओटोडिप्रेस्ड ऑपरेटेड बाइक दोस्तों ओटोडिप्रेड डिप्रोस्ट ऑपरेटेड बाइक क्या ऑटो डिफ्रोस्ट हमारा जो ऑपरेट होता है क्या टाइमर स्विच के द्वारा होता है क्या हीटिंग एलिमेंट के माध्यम से होता है क्या थर्मोस्टेट के द्वारा होगा क्या दोस्तों हमारा इनमें से ऑपरेटर फैन के द्वारा होगा आंसर दीजिए दोस्तों सभी लोग मुमल ए परविंदर ए मनीषा ए विनोद राकेश ए बहुत बढ़िया राकेश ए परविंदर टाइमर स्विच महेश ए, बहुत बढ़िया दोस्तों देखो ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखो कई बार क्या होता है काफी बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं तो कभी भी ये मत करना कि भाई एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं जो नहीं पढ़ते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको पता है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि ब्राइन सोल्यूशन डेंसिटी चेकड बाय काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों शायद कल की क्लास में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन तो आंसर दीजिए दोस्तों सभी लोग प्रदीप सिंह गुड आफ्टरनून प्रदीप सिंह ए भाई टेकोमीटर मुमल कमर डी हाइड्रोमीटर परविंदर डी शुभम सौरभ मनीषा राकेश राकेश महेश बिल्कुल दोस्तों आंसर क्या होगा हमारा डी आंसर बिल्कुल राइट होगा लेकिन दोस्तों चलते चलते इन चारों ऑप्शनों को देख चलते हैं मीटर ही मीटर है देखो टेकोमीटर टेकोमीटर आप सभी को पता है कि मोटर के आरपीएम ज्ञात करने के लिए वायुमंडल का वाय। वायु सॉरी बेरोमेट्रिक वायुमंडलीय दाब ठीक है वायुमंडलीय दाब एनिमोमीटर आपको सभी को पता है किसके लिए करते हैं वेग मापने के लिए करते हैं तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए बिल्कुल भाई भारत भारत डी सर मेरा डी है बिल्कुल भाई डी वाले बिल्कुल सही है टेकोमीटर रोमनी भाई आरपीएम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एन आइडियल रेफ्रिजरेंट इज वन ज बॉइलिंग पॉइंट इज दोस्तों जो आइडियल रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनके जो उबाल बिंदु होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों आंसर दीजिए भाई जो भी हमारी आदर्श रेफ्रिजरेंट होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं दोस्तों वो क्या होने चाहिए आंसर दीजिए सभी लोग राकेश यादव सी मुमल सी मनीषा अरविंद सौरभ राकेश सी बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों आप सभी को कि जो भी हमारे आदर्श रेफ्रिजरेंट होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे कम होंगे फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होंगे कम होंगे तो ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल बहुत बढ़िया ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों की द कंडेंसर इन इनडायरेक्ट सिस्टम कंडेंस ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आंसर दीजिए कि आपका जो इनडायरेक्ट सिस्टम होता है जो कंडेंसर होता है वो किसको कंडेंस करता है दोस्तों आंसर दीजिए प्रसाद बिल्कुल सी बहुत बढ़िया आंसर दीजिए दोस्तों द कंडेंसर इन इनडायरेक्ट सिस्टम कंडेंस किसको करेगा ऑयल को रेफ्रिजरेंट वाटर ब्राइन आंसर दीजिए दोस्तों मनीषा सी भाई मनीषा सी कैसे होगा इसका भाई ब्राइन का तो कोई अपना लेना देना ही नहीं है कंडेंसर में राकेश सैनी डी दोस्तों आंसर दीजिए जो भी ऑनलाइन है परविंदर सिंह बी बी प्रमोद बी बहुत बढ़िया देखो दो आप लोग जितने भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं दोस्तों इसमें से ओनली दो बच्चों का आंसर बिल्कुल है। सही है कितने बच्चों का आंसर सही है दो बच्चों का आंसर सही है बाकी का सबका क्या है दोस्तों गलत है आप सभी को पता है कि देखो जो भी प्रदीप सिंह भाई डी नहीं होगा जो भी कंडेंसर होते हैं इनडायरेक्ट सिस्टम में वो किसको कंडेंस करेंगे भाई पानी को कंडेंस थोड़ी करना है पानी तो अपना पानी किसको कंडेंस करेगा दोस्तों रेफ्रिजरेंट को तो कंडेंसर में किसको कंडेंस करते हैं रेफ्रिजरेंट हमारा बी आंसर दोस्तों सही होगा क्या होगा बी आंसर सही होगा प्रसाद सी बाई करेगा कंडेंसर में ब्राइन थोड़ी चलता है अपने वाटर चलता है सर वाटर को भाई प्रदीप वाटर को नहीं होगा वाटर के माध्यम से हम क्या करेंगे कंडेंस करेंगे ठीक है लेकिन जो कंडेंसर होता है वो किसको कंडेंस करेगा रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करेगा तो राइट आंसर हमारा बी होगा ध्यान रखना कभी भी वाटर करोगे दुर्घटना आपके सामने ही साथ तो हाथ हो जाएगी ध्यान रखना नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि हाई साइड फ्लोट वाल इज फिटेड ऑन द कंडेंसिंग यूनिट जस्ट आफ्टर दी दोस्तों जो आपका हाई साइड फ्लोट वाल होता है वो जस्ट किसके बाद में लगाया जाता है आंसर दीजिए क्या रिसीवर क्या कंप्रेसर क्या कंडेंसर क्या ओपरेटर राइट आंसर दीजिए दोस्तों मनीषा ए महेश ए राकेश ए अरविंद निखिल ए राकेश ए बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई प्रमोद चौधरी सी कैसे आएगा भाई रिसीवर के बाद सॉरी हाँ कंडेंसर तो आएगा ही नहीं क्योंकि कंडेंसर के बाद तो रिसीवर होगा रिसीवर के बाद क्या होगा हमारा हाई साइड फ्लोट वाल्व लगा होगा राइट आंसर क्या होगा हमारा ए होगा भाई प्रदीप सिंह बी कैसे होगा कंप्रेसर के बाद हम ऑयल सेपरेटर या मफलर का उपयोग करते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है कभी भी कंप्रेसर के बाद हाई साइड फ्लोट वाल्व नहीं लगेगा प्रसाद सी बिल्कुल भाई प्रसाद नहीं होगा निखिल यादव सी कैसे होगा कंडेंसर के बाद विनोद ए बिल्कुल बहुत बढ़िया ठीक है यदि ऑप्शन में दोस्तों रिसीवर नहीं होता ना तो तब हम मानते कि हाँ भाई कंडेंसर के बाद हम लगा सकते हैं ठीक है रिसीवर है तो रिसीवर को हम मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे नेक्स्ट बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम स्लो दोस्तों ओम का नियम आप सभी को पता है ओम का नियम में निम्न में से कौन सा आई बराबर क्या होता है वो बता दीजिए आई बराबर क्या होता है बताइए मनीषा कंवर डी मुमल डी प्रमोद डी राकेश डी परविंदर भाई डी विनोद डी बहुत बढ़िया अरविंद डी निखिल डी दोस्तों आप सभी को पता है कि देखो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कुछ नहीं करना है एक छोटा सा त्रिभुज बना लो काफी बच्चों के देखो मन में याद नहीं हो आई आर ऊपर कौन बैठेंगे विनोद जी इधर कौन है हमारा इंडियन इधर कौन है रेलवे की जो विनोद है वो इंडियन रेलवे में क्या करता है सफर करता है तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आई बराबर वी बटा आर सर लो साइड बोलने कहां पर यूज करते हैं भाई लो साइड फ्लोट वाल होता ना, है ना वो अपने फ्लोडेडर के साथ आउटलेट पे लगाते हैं ना शशि वर्मा डी बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल अरविंद जी बहुत बढ़िया नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों वैन एयर इज हीटेड तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई जब आपकी हवा को आप गर्म करते हो वायु को आप गर्म करते हो तो आर क्या होती है बढ़ती है घटती है क्या होता है दोस्तों आंसर दीजिए अभी कर रहा हूं सर बिल्कुल भाई विनोद बहुत बढ़िया है प्रमोद ए डिक्रीज, मुमल ए शशि भाई मनीषा ए परविंदर ए विनोद ए महेश यादव ए अरविंद, बिल्कुल दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया देखो सभी का आंसर है कि जब हम वायु को क्या करते हैं गर्म करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों हमारी वायु की आरएच क्या होती है घट जाती है और जब वायु को हम ठंडा करते हैं तो आरएच बढ़ जाती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि विच केमिकल इज यूज टू कंडेंसर डिस्केलिंग देखो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं कि कंडेंसर के डिस्केलिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग क्या हम फास्फोरिक एसिड का उपयोग करेंगे क्या सल्फ्यूरिक एसिड क्या सिट्रिक एसिड क्या हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताइए बिल्कुल भाई परविंदर कूलिंग में आर चमार इनक्रीज मोमल राकेश डी प्रमोद डी परविंदर सौरभ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डी मनीषा डी शशि डी विनोद सी सॉरी डी प्रदीप डी बहुत बढ़िया दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी जब हम वाटर कूल कंडेंसर में डिस्केलिंग करते हैं तो डी स्केलिंग करते टाइम दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हम केमिकल यूज में लेते हैं वो HCL लेते हैं दोस्तों आप ये बताइए कि जो एच प्लस वाटर अर्थात जो पानी का अनुपात होता है वो कितना होता है आंसर दीजिए सभी लोग और जो भी दोस्तों इस सेशन को आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें जितने भी आपके आर के ग्रुप है दोस्तों शेयर जरूर करें बताइए दोस्तों एच सी एल और वाटर का अनुपात क्या होता है दोनों का अनुपात बताइए दोस्तों प्रमोद नौ अनुपात एक सौरभ सैनी नौ अनुपात एक प्रदीप एक अनुपात नौ राकेश यादव नौ अनुपात एक परविंदर सिंह भाई पांच परसेंट महेश यादव नौ अनुपात एक देखो जो नौ अनुपात एक जो आंसर दे रहे हैं वैसे इनका आंसर सही है लेकिन देखो पहले मैंने क्या रखा है एचसीएल की मात्रा रखी है तो पहले हम किसका अनुपात लिखेंगे एचसीएल का लिखेंगे और बाद में वाटर है तो दोस्तों बाद में वाटर का अनुपात लिखेंगे और दोस्तों यही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में गलत होते हैं कुछ एग्जाम में एक अनुपात नो भी आएगा तो नो अनुपात एक भी आएगा बस पढ़ना क्या है कि हमें एच पहले पूछा या पानी बाद में पूछा है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है तो अभी हम क्या करेंगे एक अनुपात नो कर देंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बिल्कुल भाई राकेश बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच रेफ्रिजरेंट चार्ज इन कार एसी दोस्तों कार एसी के अंदर कौन सी रेफ्रिजरेंट चार्ज की जाती है आंसर दीजिए सभी लोग बताइए दोस्तों कि कार एसी में कौन सी रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं आर ग्यारह आर बाईस आर बारह आर एक सौ चौतीस है महेश यादव सी विनोद सी, प्रदीप सी, सौरभ सी, राकेश सी भाई मुमल और मनीषा बी प्रसाद परविंदर सी, शशि सी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई मनीषा और मुमल देखो ये जो आर बाईस होती है ना ठीक है ये कार ऐसी में हम चार्ज नहीं करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा जो देखो अपन अपने हिसाब से मानेंगे क्वेश्चन गलत होगा हमेशा की बात है अपने हिसाब से जो भी आंसर मानेंगे क्वेश्चन हमेशा गलत होगा किताब क्या मानती है अगला जो एग्जामिनर है वो क्या मानता है हमें उसको फोकस करना है तो ये काफी इंपोर्टेंट है ये भी फिक्स है कि जितनी भी आप गाड़ियां देखोगे चाहे ओडी हो बीएमडब्ल्यू हो चाहे टोयटा की हो कोई सी भी हो आपको 99.99% परसेंट .99 जितनी भी कारें होंगी उसमें आर एक से रेफ्रिजरेंट मिलेगी तो यह आपको पता होना चाहिए हो सकता है कि एक परसेंट में 290 नब्बे चार्ज कर दे कुछ अपडेट हो जाए तो वो कोई कह नहीं सकते अपन उसके बारे में तो यह आपको पता होना चाहिए अब ये कह रहे हैं कि परविंदर जी एक दो तीन चार या फिर जी डब्ल्यू पी चार है ठीक है बहुत बढ़िया है सी आंसर नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पाइप्स व्हिच आर यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम दोस्तों जो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें हम कौन से पाइप का उपयोग करते हैं बताइए क्या गैल्वनाइज्ड या जीआई का करेंगे क्या स्टील क्या पीवीसी क्या ब्रास दोस्तों जो चैनल पे नए हैं जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका जो लिंक आपको पिन किया हुआ है चैट बॉक्स में आप दोस्तों से जरूर ज्वाइन करें सर प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी इंग्लिश आल्सो अच्छा इंग्लिश द पाइप विच आर यूज फॉर एब्जोर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की विच पाइप यूज इन एब्जोर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बताइए तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि वेपर एब्जोर्वेशन सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट चार्ज होता है ठीक है और उस रेफ्रिजरेंट में हम दोस्तों जो चार्ज होता है उसके लिए कौन सी ट्यूब का उपयोग करते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो आंसर आए हैं सौरभ बी परविंदर बी विनोद बी मुमल राकेश बी महेश बी शशि बी प्रदीप प्रसाद स्टील बिल्कुल बहुत बढ़िया मनीषा बी बिल्कुल तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा स्टील होगा इसी के साथ कई बार ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों कि जो की जो हमारे फ्रियोन ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनके साथ कौन सी हमको ट्यूब सॉरी कौन सी ट्यूब का उपयोग करते हैं तो यह भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज एन एस बिल्कुल भाई परविंदर बहुत बढ़िया क्योंकि अमोनिया के साथ फिक्स है कि हम कौन सी रेफ्रिजरेंट कौन से ट्यूब का उपयोग करते हैं स्टील का उपयोग करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट फ्रोम सी एफ सी बारह तो कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है कि जब हमारा रेट्रोफिटिंग हुआ था काफी टाइम पहले तो आप को सभी को पता है कि आर बारह को किसमें कन्वर्ट किया आर एक सौ चौतीस में तो उस स्थिति में जो कंप्रेसर का जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या किया गया था आंसर दीजिए बिल्कुल राकेश यादव विनोद कोपर का उपयोग करते हैं फिर के लिए बिल्कुल सी यू को पर महेश यादव सी मुमल कमर बी राकेश यादव सी अरविंद बी सौरभ सेनी सी दोस्तों आंसर दीजिए आंसर आया नहीं भी पूर्वक परविंदर सिंह कह है बी सर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हाई कंडेंसिंग प्रेशर तो दोस्तों आप सभी को पता है कि देखो जो भी आर बारह की तुलना में आर एक सौ चौतीस है ठीक है तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है हमारा काफी कम होता है तो ये आपको पता होना चाहिए तो राइट right आंसर क्या होगा हमारा बी राइट आंसर होगा ठीक है कभी भी इक्वल नहीं होता है चाहे आप आर के रेफ्रिजरेटर भी देखे होंगे तो उसमें काफी जो कंप्रेसर होते थे आज की, की बात करें तो काफी अंतर आ गया है दोस्तों तो ये पता रहना चाहिए आपको ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्राई आइस दोस्तों ड्राई आइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबलिमेशन टेम्परेचर ड्राई आइस क्या होती है कैसे बनाते हैं ये सब चीज आपको पता होना चाहिए सबलिमेशन की डेफिनेशन क्या होती है ये सब काफी चीजें होती है ड्राई आई से रिगार्डिंग जो बार बार दोस्तों पूछी जाती है तो दोस्तों आंसर दीजिए ड्राई आई चीज क्या होती है अमोनिया एस कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आंसर दीजिए सभी लोग मनीषा डी मुमल डी सौरभ डी परविंदर प्रमोद डी शशि विनोद डी राकेश अरविंद प्रदीप डी बहुत बढ़िया महेश यादव डी बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों जो भी आप लोग लाइव देख रहे हैं अभी तक जिन बच्चों ने इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करें क्योंकि काफी इंपोर्टेंट होता है आप सभी को पता है लाइक करना ठीक है भाई ठीक है ठीक है डी आंसर बहुत बढ़िया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हमारी ड्राई आइस होती है दूसरी बात इसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं दोस्तों इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि रिले इज प्रोटेक्शन डिवाइस यूज दोस्तों रिले इज प्रोटेक्शन डिवाइस यूज कि जो हमारी रिले होती जो प्रोटेक्शन जो सुरक्षा युक्ति है उसका उपयोग दोस्तों हम कहां करते हैं बताइए बताइए दोस्तों सौरभ बी प्रमोद कंप्रेसर मनीषा बी 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 परविंदर बी अरविंद बी दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग राइट आंसर क्या होगा बताइए देखो आप सभी को पता है कि जो भी देखो ये मेके सारे अपने पार्ट दे रखे हैं कि रिले का उपयोग क्या ऑपरेटर में होगा नहीं होगा कंडेंसर में होगा नहीं होगा ठीक है अब बात आती थर्मोस्टेट नहीं होगा क्योंकि थर्मोस्टेट एक खुद सेफ्टी डिवाइस होता होता है तो जो होता है वो जो कंप्रेसर दोस्तों क्या किस में यूज होता है रिले का उपयोग करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे वीक सॉल्यूशन सॉरी वीक इंसुलेशन कैन बी चेक्ड बाय दोस्तों जब इंसुलेशन कमजोर हो जाता है तो उसका जो चेक करते हैं वो कैसे करते हैं बताइए आंसर दीजिए सर डीएसएस भी में इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल भाई अरविंद पता है मेरे को डीएसएस का लेवल रेलवे का लेवल इसरो डीआरडीओ बीआरसी सबका लेवल अलग अलग होता है ठीक है तो अब की बार जहां तक तुम्हारे चांस होंगे क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल इजी लेवल पे आएंगे वो क्यों आएंगे क्योंकि लास्ट वैकेंसी में क्या था कि मिक्सअप था कि पोलोटेक्निक बीटेक वाले भी उसी में थे और आईटीआई वाले भी उसी में थे लेकिन अब क्या इनको अलग अलग कर दिया है तो यह भी फैक्ट है कि जो पेपर बनेगा बनेगा वो आपका लेवल लेवल का ही बनेगा। या लेवल का ही यदि अपर भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई कोई दिक्कत नहीं है फिक्स फंडामेंटल है पेपर कहां से बनता है क्यों नहीं बनेगा वो सब पता है ठीक है प्रसाद कह रहा है बी परविंदर बी मेगर प्रमोद बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई प्रदीप बी बहुत बढ़िया तो बी क्या है दोस्तों हमारा मेगर है ये आपको पता है एमीटर टोंग टेस्टर लाइन टेस्टर इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इन विंडो टाइप एयर कंडीशनर द फॉलोइंग एक्सपांशन डिवाइस यूज्ड दोस्तों विंडो एसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि विंडो एसी के अंदर कौन से एक्सपेंशन बाल का उपयोग किया जाता है आंसर दीजिए दोस्तों दोस्तों आंसर दीजिए कि विंडो एसी में कौन से एक्सपेंशन वाल का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए है फ्लोट वाल ऑप्शन बी है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल ऑप्शन सी है कैपिलरी ट्यूब ऑप्शन डी है दोस्तों हैंड वाल आंसर दीजिए मनीषा सौरभ राकेश परविंदर मोमल प्रमोद महेश बिल्कुल बहुत बढ़िया सभी का आंसर दोस्तों सही है किसका यूज करते हैं कैपिलरी ट्यूब का उपयोग करते हैं क्यों करते हैं दोस्तों कैपिलरी ट्यूब का तो आपको यह भी पता है कि ये जो एक्सपेंशन की क्रिया करती है सरल बिल्कुल सिंपल पे अपना कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फिर बारह अर्थात आर बारह आइडियल प्रेशर इज आर पारा का आइडियल प्रेशर क्या होता है दो के जी सेंटीमीटर स्क्वायर ढाई के जी सेंटीमीटर स्क्वायर थ्री पॉइंट फाइव के जी सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन डी है दोस्तों सिक्स के जी सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दीजिए परविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि कैपिलरी ट्यूब जीरो पॉइंट थ्री से नहीं भाई परविंदर जी देखो बात अपने है ना जीरो पॉइंट वन से स्टार्ट हो जाती है जीरो पॉइंट वन से तीन टन से कम ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है मोमल बी प्रदीप सी परविंदर बी प्रदीप सिंह डी राकेश सी प्रमोद डी आंसर दीजिए दोस्तों सभी लोग भाई आप लोग आंसर दे रहे हो बी काफी बच्चे भी दे रहे हैं कि महेश यादव ने भी बी तो 2.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर कितना पीएसआई हुआ चेक कर लो और जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका आइडियल प्रेशर कितना होना चाहिए अरविंद डी बहुत बढ़िया भाई अरविंद बहुत बढ़िया प्रसाद यादव बी सात पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल बिल्कुल देख ऑप्शन में देख सौरभ जब सात पॉइंट फाइव के नहीं है ना तो अपना उससे कम है तो उससे कम होगा अपन क्या करेंगे उसी को मानेंगे तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर ये लो हर एग्जाम में रिपीट होने वाला ये वो क्वेश्चन है ऑक्सीजन और एसिडिलीन का दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आंसर दीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुमल डी मनीषा डी विनोद राकेश प्रमोद महेश परविंदर बिल्कुल बहुत बढ़िया राकेश सौरभ बिल्कुल दोस्तों बहुत बढ़िया आप सभी को पता है कि देखो लास्ट टाइम इस क्वेश्चन के ऊपर काफी दिन से हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा में यही निष्कर्ष निकला है कि एसिटिलीन का सिक्स मीटर क्यूब और ऑक्सीजन का सेवन मीटर क्यूब होता है तो डी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, है। नेक्स्ट बात करते हैं काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्लेम टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन जो गैस वेल्डिंग होती है दोस्तों उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं तो उनकी फ्लेम का तापमान कितना होता है दोस्तों आंसर दीजिए ऑप्शन ए है दोस्तों अठारह टू दो डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन बी है दोस्तों 2000 से 2200 ऑप्शन सी है 2400 से 2700 ऑप्शन डी है 3100 से 3300 आंसर दीजिए प्रदीप सिंह डी भाई मुमल डी भाई मुमल देखिए जो डी है ना ये ऑक्सीन का होता है ये किसका होता है से तैसो ऑक्सी एसिटिलीन लिख लो याद कर लेना काफी इंपोर्टेंट है इसका भी पूछा जा सकता है ऑक्सी ऑक्सीटलिन ठीक है तो ये किसका होगा हमारा इक्तीसौ से तैतीसो तो ऑप्शन काट दो राकेश यादव सी महेश सी शशि वर्मा सी बहुत बढ़िया सौरभ का भी सी आंसर प्रमोद का भी सी आंसर बहुत बढ़िया ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सी राइट आंसर होगा चौबीस से सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड बहुत बढ़िया नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों विच टाइप ऑफ फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग जीआई आई सीट की दोस्तों जब आपको पता है कि जीआई आई सीट का सोल्डरिंग करते हैं तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर दीजिए आंसर दीजिए दोस्तों क्या आंसर होगा मुमल कंवर बी मनीषा कंवर सी प्रमोद चौधरी बाई डी एच सी एल परविंदर सिंह बी शशि सी महेश यादव सी मोमल परविंदर राकेश दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग कि जो भी हमारी जीआई सीट होती है उनके साथ में दोस्तों हम कौन से फ्लक्स का उपयोग करते हैं आंसर दीजिए राकेश सैनी सी शशि वर्मा सी राकेश यादव बी बहुत बढ़िया तो दोस्तों देखो ये भी क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत है देखो रेजिन रेजिन पे बगरे हैं लेकिन आपको बता दूं रेजिन आपकी बात सही है लेकिन जो जीआई सीट की बात करें तो जीआई सीट के साथ में दोस्तों जो हम फ्लक्स यूज में लेते हैं वो जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों विनोद सी भाई विनोद सी नहीं होगा इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों की वन टन द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ वन टी आर वन टी आर की दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी बताना है आपको बीटीयू पर होवर में आंसर दीजिए सभी लोग दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ वन टी आर इज राकेश सैनी डी प्रसाद सी भाई टन में कैसे कंफ्यूज हो रहे हो वन टी आर की बात हो रही है एक ऑप्शन राकेश दे रहा डी ऑप्शन चौबीस हजार बी ये क्या है ये चौबीस हजार बी विनोद बी मुमल ए भाई मुमल कहा पढ़ लिया छह हजार बी बराबर वन टन होता है अपना ये पॉइंट फाइव टन कह सकते हैं अपन इसको कितना कह सकते हैं पॉइंट फाइव टन कह सकते हैं नेक्स्ट बात करें तो मनीषा का बी आंसर शशि महेश अरविंद प्रमोद जमन परविंदर बी बिल्कुल बहुत बढ़िया तो राइट आंसर क्या होगा हमारा बारह हजार बी ट्यू बराबर वन टन ठीक है इसका आधा कर देंगे तो पॉइंट फाइव टन अर्थात छह हजार बी ट्यू होवर और हम डेढ़ टन की बात करें तो अट्ठारह हजार बीट्यू होवर और दो टन की बात करें तो चौबीस हजार बी ट्यू होवर तो बिल्कुल जिनका भी आंसर है बहुत बढ़िया भाई प्रसाद यादव देख फिर कह रहा हूं ये नहीं होगा ये पॉइंट फाइव क्या होता है हमारा आधे टन होता है तो आधे टन को जो बी में मापते हैं तो छह हजार बी होता है ठीक है ध्यान रखना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिख प्रेशर एट द सी लेवल इज टेकन एज बताइए वायुमंडलीय दाब के बारे में बात कर रहा है तो आप लोगों ने वायुमंडलीय दाब पढ़ा होगा तो इन सब के बारे में आपने जिक्र किया होगा कि के सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा वायुमंडलीय दाब कितना होता है आंसर दीजिए दोस्तों सौरभ प्रमोद सी मनीषा ए 1.03 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर विनोद सी राकेश सी, मोमल सी, महेश शशि सी बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया आप सभी को पता है कि जो हमारा एटमोस्टेयर अर्थात तो वायुमंडली दाब होता है वो कितना होता है वन पॉइंट जीरो तैतीस के जी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल जमन भाई बहुत बढ़िया अरविंद जी बहुत बढ़िया नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों की फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर काफी बच्चे सोचते होंगे कि सर इतने सरल क्वेश्चन थोड़ी आते हैं दोस्तों ये ऐसे ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे आप कोई सा भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो ये फैक्ट है इंस्ट्रक्टर हो चाहे कोई सा भी हो क्वेश्चनों का दोस्तों जिक्र जरूर होता है एक एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में ये फिक्स है ठीक है तो आंसर दीजिए दोस्तों सभी लोग राइट आंसर क्या है इसका द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या वन डिग्री सेंटीग्रेड क्या माइनस का वन डिग्री सेंटीग्रेड जीरो सेंटीग्रेड माइनस का फोर डिग्री सेंटीग्रेड विनोद सौरभ बिल्कुल डी डी आंसर मनीषा जमन बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी हमारे पानी होते हैं उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड कई बार दोस्तों फेरेनाइट में पूछ ले केल्विन में पूछ ले रूमर में पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों द मैकेनिकल फॉल्ट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम दोस्तों रेफ्रिजरेशन सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो आपने दो चीज पढ़ते हो एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक मैकेनिकल कंपोनेंट ठीक है तो तो बात चल रही है अभी मैकेनिकल कंपोनेंट की तो अभी इनमें से कौन सा एरर है जो मैकेनिकल कंपोनेंट को दोस्तों दर्शा रहा है आंसर दीजिए कमलेश प्रजापति सी सौरभ बी बी, जमन बी प्रमोद चौधरी कंडेंसर परविंदर बी विनोद शशि वर्मा मनीष मनीषा अरविंद राकेश भी बहुत बढ़िया दोस्तों आप सभी को पता है कि देखो अपना जो मैकेनिकल पार्ट होता है वो क्या होता है कंडेंसर होता है जब कंडेंसर गंदा है तो अथार्थ जो फॉल्ट आ रहा है हमारा मैकेनिकल फॉल्ट आ रहा है यदि बात आती है कि जो हमारा ऑयल पी है वो जल गया है तो उस स्थिति में जो फॉल्ट होता है वो कौन सा फॉल्ट होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए ठीक है कितना होता है आप बताइए आर छसो ए है आर छसो होता है हमारा ब्यूटेन आर 600 ए होता है दोस्तों हमारा आई ब्यूटेन तो हमें पूछा गया है आइसोब्यूटेन के लिए तो आंसर दीजिए आंसर दीजिए दोस्तों महेश यादव डी राकेश यादव सी भाई यादव यादव डी सी कैसे हो रहे हो डी और सी जमन सी बहुत बढ़िया प्रमोद चौधरी 11.8 या 12 डिग्री माइनस के 12 मोमल कमर का बी आंसर माइनस के 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड विनोद अरविंद का सही है परविंदर भाई परविंदर माइनस के 15.8 आपने कहाँ देख लिया कमलेश प्रजापत भाई कमलेश प्रजापत बी भी, भी नहीं होता और बोलो दोस्तों आठ छत्सो का बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं कौन सा ऑयल यूज करते हैं ये सब की जानकारी होना चाहिए मनीषा कंवर कह दिए पता नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं है तो याद रखना है मनीषा कि माइनस के ग्यारह पॉइंट आठ डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है हमारा <coughs> सॉरी आइसो ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो ये आपको पता होना चाहिए मैं पूछता हूं दोस्तों इस आठ छत्सो का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए आर छसो ए का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए दोस्तों आंसर दीजिए दोस्तों सभी लोग आर छस्ो का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है एक सौ तैतीस पॉइंट सात बोइलिंग प्रमोद चौधरी कह रहा माइनस का एक सौ पचपन राकेश माइनस का एक सौ पचपन दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग आंसर आया नहीं अभी तक राकेश सनी बी बिल्कुल भाई राकेश सनी बी नहीं होगा मैं फिर कह रहा हूँ इसको आप गलत करो राइट आंसर क्या होगा माइनस के ग्यारह पॉइंट आठ या फिर बारह डिग्री माइनस का बारह डिग्री सेंटीग्रेड भी आएगा तो हम क्या मानेंगे सी आंसर बिल्कुल राइट मानेंगे आंसर दीजिए दोस्तों राकेश सैनी सी बिल्कुल बहुत बढ़िया राकेश सैनी सी आंसर देखो आंसर किसी का आया ही नहीं तो दोस्तों इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अपना माइनस का एक सौ पॉइंट कुछ होता है लेकिन अपन इसको 155 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों की द कंडेन्सर कोइल टाइप विच यूज इन डी फ्रीजर साधारण दोस्तों जो आपके डी फ्रीजर होते हैं उनमें हम कौन से कंडेंसर का उपयोग करते हैं आंसर दीजिए द कंडेंसर कोइल टाइप विच यूज इन डी फ्रीजर दोस्तों डी फ्रीजर में कौन सा कंडेंसर यूज करते हैं आंसर दीजिए फ्लोडेड टाइप नेचुरल ड्राफ्ट प्लेट टाइप फोर्थ ड्राफ्ट आंसर दीजिए दोस्तों कमलेश महेश परविंदर डी फोर्स ड्राफ्ट मनीषा बी महेश यादव सी कमलेश प्रजापति सी सोनू शशि वर्मा भाई प्लेट टाइप विनोद डी राकेश राहुल बाटी डी माय फीलिंग माय हर्ट भाई जमन एक बात बताओ यार देखो आपने डी फ्रीजर के काफी काम किए होंगे ठीक है तो डीप फ्रीजर में कब से अपने प्लेट टाइप कंडेंसर लगने लग गया भाई आप कहीं आप पे भी देख लो जूस वाले के पास जाओ या तो किसी के घर में रखा होता है किसी के दुकान में रखा होता है कहीं मॉल वगैरह जो भी डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं सब जगह रखा होता है कैंटीन में रखे होते हैं तो प्लेट टाइप का तो सवाल ही नहीं होता है दोस्तों कि प्लेट टाइप का हम उपयोग करते हैं और आपने ये भी देखा होगा कि जो भी डी फ्रीजर होता है उसके फ्रंट पे उसकी कंडेंसिंग यूनिट होती है और जहां से एक पंखा भी लगा होता है वो हीट को फेंकता रहता है राकेश सैनी डी बाई प्लेट टाइप नहीं होगा राकेश राकेश यादव डी बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों जो भी हमारे डी फ्रीजर होते हैं उसमें फोर्स ड्राइव फोर्स ड्राफ्ट कंडेंसर का उपयोग करते हैं होते वो हो कैसे नेचुरल कंडेंसर एयरकूल कंडेंसर होते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो क्या आंसर होगा दोस्तों हमारा डी आंसर बिल्कुल राइट होगा फोर्सड एयर कूल कंडेंसर का उपयोग करते हैं किसमें डीप फ्रीजर में करते हैं राकेश सैनी बी अब ये लो नेचुरल ड्राफ्ट आ गए भाई नेचुरल ड्राफ्ट में क्या होता है कि जो भी जैसे जैसे बात करें ये कोई कंडेंसर है ठीक है ये कंडेंसर अपने जो वायुमंडल की हवा है ये क्या है वायुमंडल की हवा उस हवा जब इस प्रवाहित होगी तो, तो ये क्या होगा वो नेचुरल ड्राफ्ट होगा हमारा ठीक है और इसी में मैं क्या करता हूं दोस्तों कि पे एक पंखा लगा के इसकी हीट को रिजेक्ट करता हूं तो ये जो होगा हमारा फोर्स फोर्स हमने क्या हुआ कि वायु को उच्च गति के साथ कंडेंसर पे ट्यूबों पे फेंका तो हीट रिजेक्शन क्या हुआ हमारा बढ़ गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा डी हो जाएगा आप सभी को पता है कि डी फ्रीजर में कौन किसका यूज करते हैं फोर्स ड्राफ्ट एयरकूल कंडेंसर का यूज करते हैं सर जी मेरा यहाँ एक है लेकिन उसमें प्लेट टाइप ही है कैपेसिटी कम है उसकी तभी शायद प्लेट टाइप होगा हाँ ये हो सकता है लेकिन आज की बात करोगे ना आप तो कोई से भी हो ज्यादातर आपको 99.995% कोई से भी हो सब में आपको फोर्स टाइप मिलेंगे ठीक है कोई अपवाद में हो सकता है सन सत्यासी का रखा हो लेकिन अभी वर्तमान में आप चाहे ब्लू स्टार का खरीदो वोल्टास का खरीदो कोई सा भी खरीदो सबके अंदर क्या के आते हैं दोस्तों हमारे फोर्स ड्राफ्ट अर्थात पंखे लगे हुए आते हैं कंडेंसर में ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इंटर इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टेम्परेचर प्रेशर डी नोनो टीज बताइए दोस्तों इंटरनल एनर्जी और सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रेशर वेलोसिटी इनमें से कोई नहीं प्रमोद शशि बिल्कुल जमन बी विनोद बी परविंदर बी अरविंद बी बिल्कुल दोस्तों बहुत बढ़िया टेम्परेचर के कारण क्या होते हैं जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उनके इंटरनल एनर्जी को कौन दर्शाता है तापमान दर्शाता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों द क्लोजिंग ऑफ ऑफर एंड टॉप कवर डन एयर टाइट बाई द क्लोजिंग ऑफ चनर एंड टॉप कवर डन एयर टाइट बाई ऑयल रिंग सील गेस्केट या स्टिकिंग टेप मनीषा कमर सी गेस्केट प्रमोद ए ऑयल रिंग विनोद सी राकेश सी नीचे से आसमान की दूरी बताओ <laughs> सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मारा? राइट आंसर दोस्तों होगा। तो आप सभी को पता है कि कोई भी कवर होता है तो उसके नीचे क्या लगा होता है गैसकेट लगी होती है जिससे क्या हो कोई भी लीकेज नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल सर फिर भी सी लग रहा है बिल्कुल गेसकेट सी आंसर होगा इसका ठीक है देखो जब कोई भी आपने देखा होगा कि ये कोई कंटेनर है ठीक है अब इसको हमें बंद करना है तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कोई लगानी पड़ेगी जब गैस केट लगाएंगे तभी तो इसमें जो भी मेटेरियल होगा वो बाहर नहीं निकलेगा तो ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों द थर्ड एंगल ऑफ नेशनल फाइन थ्रेड दोस्तों फाइन थ्रेड बताइए कि जो आपके फाइल होती है उसमें तो जो फाइन थ्रेड कौन सी होती है क्यू तीने जानों के आसमान बताइए दोस्तों आंसर द थ्रेड एंगल द थ्रेड एंगल ऑफ नेशनल फाइन थ्रेड इज पच्चीस डिग्री पैंतीस डिग्री 45 डिग्री और चालीस डिग्री मुमल कंवर डी प्रमोद डी मनीषा सी राकेश डी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना अपने देखो जो भी टूल्स के चैप्टर होते हैं ठीक है उसमें काफी इंपोर्टेंट होते हैं ये डिग्री कोण वगैरह आपको हर चीज के पता होना चाहिए भाई परविंदर बी आंसर नहीं होगा पैंतीस डिग्री नहीं होगा डी आंसर राइट होता है पैंतालीस डिग्री ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे लेकिन मैं ये कहता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है तो कभी ऐसा नहीं करना है कि नहीं हम जो पढ़ते हैं ये पूछते नहीं है अब ये पिच वाला भी है फाइन पिच ठीक है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्ट पिच ऑफ मीडियम एक्सा ब्लेड फ्रॉम द फॉलोइंग दोस्तों मीडियम की जो पिच होगी वो कितनी होगी बताइए वन पॉइंट आइट है मैम वन एम एम एंड चार एम एम जीरो पॉइंट एट एम एम वन पॉइंट फोर एंड वन जीरो दीजिए दोस्तों मनीषा कमर बी भाई मनीषा देख इसके आगे है ना चार एम एम हो गया तो काफी ज्यादा हो गया ना अपना राकेश यादव सी शशि वर्मा बी सौरभ सैनी सी मुमल भी भाई मुमल भाई देखो चार एम एम है जब चार एमएम पिच की बात चल रही है हाई लो मीडियम सॉरी लो मीडियम हाई परविंदर जी भाई बी नहीं होगा ठीक है तो राइट आंसर क्या होता है दोस्तों हमारा सी आंसर होगा जब आप जो इसके पास जो भी बुक हो हेक्सा का जब आप खोलोगे तो उसमें साफ लिखा होता है जो हमारी लो पिच होती है वो हमारी जीरो पॉइंट एट से कुछ एक, के एक से एक आगे तक हमारी मीडियम इज no is... भाई जमन देख इनको खुद के मन से स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा इनको पढ़ना ही पड़ेगा याद करना ही पड़ेगा समझना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम जब पूछती है ना तो अपने अकॉर्डिंग नहीं पूछती है वो जो पूछेगी वो अपने को आना चाहिए तो सी आंसर क्या होता, हमारा? Right होता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करेंगे ठीक है तो बाकी की जो भी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे एक छोटी सी जानकारी आपके लिए दोस्तों जो भी बीआरसी के स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि जो भी फाइनल मेरिट होगी वो हमारे सेकेंड सीबीटी पे होगी तो दोस्तों उसी के लिए हमने काफी बेहतर तरीके से कोर्स रेडी किया है बी का कंप्लीट बेस दोस्तों आपका ऑनलाइन रहेगा इस ऑनलाइन बेस में दोस्तों आपको कंप्लीट ठीक है इस कंप्लीट बेच में दोस्तों आपको सो प्लस रिकॉर्डेड आपकी थ्योरी के होंगे जिसमें कंप्लीट टॉपिक आपको दोस्तों कंप्लीट मिलेंगे ठीक है इसके बाद बात करें क्लास के जो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ई नोट्स भी आपको दोस्तों मिलेंगे साथ में जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जैसे भाई मेरा बी का मेरा इसरो का है किसी के क्वेश्चन आते हैं किसी के साथ आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं दोस्तों हमने टेस्ट सीरीज रेडी की है तो ये उनके लिए भी काफी बेहतर है दूसरी बात ई बुक भी दोस्तों आपको मिलेगी ई बुक में जो काफी इंपोर्टेंट जितनी भी बातें होती है टूल्स पढ़ा विंडो एसी एसी जो भी आपने पढ़ा तो एग्जाम में पूछे गए तथा पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ आपको दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट में मिलेंगे किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो आपके हमारे टीम के नंबर लिखे हुए हैं तो दोस्तों आप फोन कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब तक के लिए थैंक यू टेक केयर बाय बाय यदि दोस्तों आपको लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार थम्स अप करके आप कमेंट जरूर करें दोस्तों शशि वर्मा थैंक यू ओके सर थैंक यू वेलकम ठीक है दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं कल की क्लास में जब तक के लिए थैंक यू टेक केयर बाय बाय